सो टुडे जो हम लोग टॉपिक करेंगे वो मेजर हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन। तो मेजर हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स में MHC जीन्स दैट एनकोड फॉर इनकॉम्पैटिबिलिटी मॉलिक्यूल्स आर क्लस्टर्ड ऑन अ स्मॉल लोकस on the short arm of chromosome 6 is referred to as MHC. MHC is kya hai? MHC stands for Major Histocompatibility Complex. Hai na? Histocompatibility complex jo hai, wo kya hai? It's a barrier in organ transplantation. Hai na? MHC aur HLA ek hi baat hai. Hum log HLA to suna honga na? HLA typing karte hain tissue transplantation mein. So, HLA aur MHC ऐसी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके जीन्स जो होते हैं जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके जो जीन्स होते हैं दे आर क्लस्टर्ड ऑन द स्मॉल एरिया इन द शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 6। ठीक है, बात समझ में आई? जीन जो है जो कंपैटिबिलिटी मॉलिक्यूल्स को जो एनकोड करते हैं वो जीन्स कहाँ प्रेजेंट है? ऑन क्रोमोसोम 6। और क्रोमोसोम 6 में भी शॉर्ट एरिया में ऑन द शॉर्ट आर्म ऑफ स्मॉल एरिया ऑन शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 6। ये बात समझ में आई है ना? जो MHC मॉलिक्यूल्स हैं या हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स को एनकोड करने वाले जीन्स जो हैं दे आर प्रेजेंट ऑन अ स्मॉल एरिया। द जीन्स आर द जीन्स मेक द MHC complex which are present on a small area on chromosome 6। ये समझ में आ गया? कितने क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन बीइंग में? कितने होते हैं? 23। ठीक है, ऑन द हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट ऑन अ स्मॉल एरिया ऑन क्रोमोजोम शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोजोम 6। सो दिस शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोजोम 6 इज रेफर टू एज MHC। MHC मॉलिक्यूल एक्ट एज एंटीजन प्रेजेंटिंग स्ट्रक्चर। सो यू हैव टू डिफरेंट थिंग्स, MHC मॉलिक्यूल एंड द जीन्स दैट एनकोड फॉर MHC मॉलिक्यूल। तो जीन्स तो कहाँ है? ऑन द शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 6। और MHC मॉलिक्यूल जो है वो प्रेजेंट होते हैं ऑन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में। दे आर क्रिटिकल फॉर इंडक्शन ऑफ टी सेल इम्यूनिटी, रेफर टू एज HLA कॉम्प्लेक्स बिकॉज MHC एनकोडेड एंटीजन्स वर इनिशियली डिटेक्टेड ऑन व्हाइट ब्लड सेल्स and they are barrier in organ transplantation. ठीक है, so MHC generally होता है जब हम organ transplantation, बहुत सारे functions हैं, has a role in immunity, है ना, normal immunity के लिए होता है, पर हम लोगों ने सबसे पहले पहचाना कैसे था? Because they are barrier in organ transplantation, है ना? तो ये molecules होते हैं, normally उनका काम क्या होता है? एंटीजन प्रेजेंटेशन टू द लिम्फोसाइट, टू द लिम्फोसाइट। ठीक है, और इन मॉलिक्यूल को जो एनकोड करते हैं दैट जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 6 जिसे MHC कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, MHC कॉम्प्लेक्स इज प्रेजेंट ऑन द शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 6। अब ये जीन्स जो हैं, तुम लोग को मालूम है जीन्स क्या करते हैं? जीन के जीन प्रोडक्ट होते हैं, दे एनकोड द मॉलिक्यूल्स। तो जीन प्रोडक्ट्स ऑफ MHC आर ऑर्गेनाइज इन 3 क्लासेस। फर्स्ट इज क्लास 1 MHC जीन प्रोडक्ट। MHC क्लास 1 MHC जीन प्रोडक्ट जो होते हैं दे आर ग्लाइकोप्रोटीन एक्सप्रेस्ड ऑन ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स। मेजर फंक्शन इज टू प्रेजेंट एंटीजन टू साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। ठीक है, तो क्लास 1 MHC जीन प्रोडक्ट जो हैं वो दे आर प्रेजेंट, MHC क्लास 1 जीन प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट ऑन ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स, है ना?
कई बार आता है ये ऑब्जेक्टिव टाइप में कि एमएससी मॉलिक्यूल क्लास वन आर प्रेजेंट ऑन ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स, और क्लास टू एमएससी जीन प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ऑन मैक्रोफेजेस, बी सेल्स एंड डेंड्राइटिक सेल्स। एमएससी वन के जीन प्रोडक्ट्स जो हैं वो जो क्लास वन जीन प्रोडक्ट्स होते हैं वो देयर मेजर फंक्शन इज टू प्रेजेंट प्रोसेस एंटीजन टू साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, और क्लास टू एमएससी जीन प्रोडक्ट्स देयर मेजर फंक्शन इज टू प्रेजेंट एंटीजन टू हेल्पर टी सेल्स। ठीक है, ये बात समझ में आ गया कि क्लास वन जीन प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो सारे न्यूक्लिएटेड सेल में होते हैं और वो साइटोटॉक्सिक टी सेल को एंटीजन प्रेजेंट करते हैं। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स कौन से होते हैं? CD8 पॉजिटिव टी लिम्फोसाइट्स, है ना। तो साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स को एंटीजन प्रेजेंट जो है वो सारे न्यूक्लिएटेड सेल्स करते हैं थ्रू एमएससी क्लास वन मॉलिक्यूल्स, और क्लास टू मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ऑन मैक्रोफेजेस, बी सेल्स एंड डेंड्राइटिक सेल्स, और उनका फंक्शन होता है टू प्रेजेंट एंटीजन टू हेल्पर टी सेल्स। हेल्पर टी सेल्स क्या होते हैं? CD4 पॉजिटिव टी सेल्स, है ना, हेल्पर टी सेल्स। हेल्पर टी सेल्स का क्या फंक्शन होता है? दे आर द मास्टर रेगुलेटरी सेल्स, दे सीक्रेट साइटोकाइन और बाय दैट दे गवर्न ऑल द इम्यून फंक्शन ऑफ द बॉडी, है ना। फिर साइटोटॉक्सिक सेल्स आर साइटोटॉक्सिक टू द एंड दे आर साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, दे आर साइटोटॉक्सिक। क्लास थ्री एमएससी जीन, देयर प्रोडक्ट्स इंक्लूड सिक्रीटेड प्रोटीन्स, एग्जांपल कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो हमने देखा कि द मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट ऑन क्लास वन मॉलिक्यूल ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स में होते हैं, क्लास टू मॉलिक्यूल्स जो है किस में होते हैं? मैक्रोफेजेस में होते हैं, बी सेल्स में होते हैं और डेंड्राइटिक सेल्स में होते हैं। दीज आर द मॉलिक्यूल्स, एंड इन मॉलिक्यूल्स को जो जीन्स एनकोड करते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ऑन द शॉर्ट, इन अ स्मॉल एरिया ऑन द शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 6। ठीक है, सो यू नो देर आर जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम 6, और जीन्स जो है एनकोड करते हैं मॉलिक्यूल्स, है ना। और इन एमएससी मॉलिक्यूल का फंक्शन क्या होता है? टू प्रेजेंट द एंटीजन, है ना। एमएससी क्लास वन मॉलिक्यूल किसको प्रेजेंट करते हैं? साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स को करते हैं, और एमएससी क्लास टू मॉलिक्यूल जो हैं विच आर प्रेजेंट ऑन बी सेल्स, डेंड्राइटिक सेल्स एंड मैक्रोफेजेस, वो CD4 पॉजिटिव या हेल्पर टी सेल्स। सो क्लास वन एमएससी मॉलिक्यूल, क्लास वन एंटीजन्स आर प्रेजेंट इन ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स, है ना, यू नो दैट। पेप्टाइड प्रेजेंटेड बाय एमएससी वन आर एंडोजीनस प्रोटीन। सो वी वर टॉकिंग अबाउट HLA, क्लास वन एमएससी मॉलिक्यूल, क्लास वन एंटीजन्स आर प्रेजेंट ऑन ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स। पेप्टाइड प्रेजेंटेड बाय एमएससी वन आर एंडोजीनस प्रोटीन, जो सेल के अंदर होते हैं, दोज आर द एंडोजीनस प्रोटीन। They are encoded by three closely linked foci designated HLA-A, HLA-B, HLA-C. ठीक है, अगेन क्लास वन एंटीजन्स आर प्रेजेंट ऑन ऑल द न्यूक्लिएटेड सेल्स, और जो MHC-1 जो है एंटीजन्स, वो MHC-1 जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एंडोजीनस प्रोटीन्स को प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि कोई हिपेटोसाइट है ना, उसमें हिपेटाइटिस वायरस आ गया तो वो एंडोजीनस वायरस होगा, उसको जो प्रेजेंट करेगा टू द इम्यूनोकॉम्पिटेंट टी सेल वो क्या होगा? एंडोजीनस प्रोटीन को एमएससी मॉलिक्यूल वन प्रेजेंट करेगा। सो एमएससी वन मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट ऑन ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स, and they present endogenous protein, and they are encoded by three closely linked foci designated as HLA-A, HLA-B and HLA-C, है ना। अब क्रोमोसोम 6 पे जो एमएस
थ्री वाला कॉम्प्लेक्स है उसमें भी थोड़ा सा एरिया होता है जो कि उसको हम डेजिग्नेट करते हैं HLA-A, HLA-B एंड HLA-C. क्लास वन MHC मॉलिक्यूल और ईच ऑफ दीज मॉलिक्यूल इज अ हेटरोडाइमर कंपोज्ड ऑफ टू चेन्स अल्फा चेन. अल्फा चेन इज पॉलीमॉर्फिक हैवी चेन. पॉलीमॉर्फिक मीन्स क्योंकि इनको डिफरेंट एंटीजन्स को कैप्चर करना है तो दिस चेन हैज टू बी पॉलीमॉर्फिक, तभी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को कैप्चर करेगी. सो इट हैज अल्फा हेटरोडाइमर मीन्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर प्रेजेंट, टू डिफरेंट चेन्स आर प्रेजेंट. सो देयर इज अल्फा चेन एंड बीटा टू माइक्रोग्लोबुलिन चेन. और जो अल्फा चेन होती है दैट इज पॉलीमॉर्फिक चेन. हैवी चेन बीटा टू माइक्रोग्लोबुलिन इज नॉन पॉलीमॉर्फिक, नॉट एनकोडेड विद इन MHC and they are non-covalently associated with each other. Association of alpha chain and beta 2 is required for surface expression. Alpha chain is made up of three domains, alpha 1, alpha 2 and alpha 3. Alpha 1 and alpha 2 form peptide binding cleft, interacts with CD8 positive or cytotoxic T lymphocytes. ठीक है, दिस इज MHC वन मॉलिक्यूल. वन मॉलिक्यूल इसमें देखो एक अल्फा चेन है एंड एजेंडा वन इज द बीटा टू माइक्रोग्लोबुलिन चेन एंड द एंटीजन बाइंडिंग क्लेफ्ट इज फॉर्म बाय द अल्फा चेन और उसका अल्फा वन एंड अल्फा टू डोमेन से बना हुआ है. ठीक है, एंटीजन बाइंडिंग क्लेफ्ट समझ में आ गया. तो MHC क्लास वन मॉलिक्यूल इज अ हेटरोडाइमर जिसमें की अल्फा चेन होती है, बीटा चेन होती है एंड देयर बीटा टू माइक्रोग्लोबुलिन चेन होती है. अल्फा चेन इज पॉलीमॉर्फिक एंड इट मेक्स द एंटीजन बाइंडिंग क्लेफ्ट, है ना. और MHC क्लास वन मॉलिक्यूल क्या करते हैं, एंडोजीनस पेप्टाइड को प्रेजेंट करते हैं थ्रू द साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट, है ना. बस इतना ही जानना आपके लिए जरूरी है. Now we come to the class 2 MHC class 2 molecules comprised of alpha and beta chains. Both chains are polymorphic. जो class 1 molecule था उसने देखा था polymorphic कौन सी थी, alpha chain थी, है ना. beta 2 chain जो थी वो non-polymorphic थी. इसमें both alpha and beta chains are polymorphic, मतलब different क्योंकि both will make the antigen binding cleft, इसलिए both the chains are polymorphic. Alpha and beta chain associate non-covalently. Alpha and beta chains are made up of domains alpha 1 and alpha 2 और beta chain का beta 1 and beta 2. Alpha 1 and beta 1 form antigen binding cleft. Class 2 antigens present or are present on macrophages, dendritic cells and also on the B cells. Peptides presented by MHC class 2 are exogenous. In contrast to class 1 MHC molecule, जो MHC 2 molecule है वो exogenous antigen को present करते हैं. Processed by endocytic pathway, peptides are presented to T helper cells. Encoded in the region HLA-DP, HLA-DQ and HLA-DR. This is MHC class 2 molecule. इसमें देखो कि it's again a heterodimer जिसमें कि alpha chain है और beta chain है, दोनों के जो है दो domains है alpha 1 and alpha 2, beta 1 and beta 2 and both chains are polymorphic और जो antigen binding cleft है वो इज फॉर्म बाय द अल्फा 1 एंड बीटा 1. ठीक है, तो क्या क्या हम लोग अगर रिकैप करें तो क्लास 1 मॉलिक्यूल किसको कहते हैं, एक एंडोजेनस पेप्टाइड को प्रेजेंट करते हैं और साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट को प्रेजेंट करते हैं. उसमें अल्फा चेन पॉलीमॉर्फिक होती है क्लास 2 मॉलिक्यूल्स में और क्लास 2 मॉलिक्यूल्स में बोथ द सेम्स आर पॉलीमॉर्फिक, अल्फा 1 एंड बीटा 1 आर पॉलीमॉर्फिक, है ना. और ये एक्सोजेनस प्रोटीन को प्रेजेंट करते हैं और हेल्पर सेल को प्रेजेंट करते हैं
और ये मॉलिक्यूल बी सेल में होते हैं, डेंड्राइटिक सेल्स में होते हैं और मैक्रोफेज में होते हैं, और वन मॉलिक्यूल जो है वो किस में होता है, इन ऑन ऑल न्यूक्लियोटिड सेल्स। ये साइमल्टेनियसली साथ साथ एमएससी क्लास वन एंड क्लास टू मॉलिक्यूल है। इसमें जो है क्लास टू में अल्फा बीटा चेन पॉलीमॉर्फिक है, दैट इज फॉर्मिंग द एंटीजन बाइंडिंग क्लैप। उसमें अल्फा क्लास वन में अल्फा वन और अल्फा टू के रूप में क्लैप बनता है ना, बीटा टू माइक्रोग्लोबुलिन इज नॉन पॉलीमॉर्फिक है ना। ये मेम्ब्रेन है सेल की, इससे भी ये मॉलिक्यूल है और इसमें वही सब है। दिस इज एमएससी मॉलिक्यूल वन एंड टू, ठीक है, दैट वन इज द वन एंड दिस इज टू। क्लास वन एमएससी पाथवे, इसमें देखो जो है ये एंडोजीनस पेप्टाइड है। एंडोजीनस पेप्टाइड किस पाथवे से जाता है, क्लास वन मॉलिक्यूल करता है ना। एमएससी क्लास वन जो है वो कैप्चर करता है पेप्टाइड को इन द साइटोसोल और उसको प्रेजेंट करता है टू द साइटोटॉक्सिक और टू द एक पॉजिटिव फीलिंग होता है। ये बात समझ में आ गई। एंडोजीनस मीन्स की जो भी एंटीजन है दैट इज प्रेजेंट इन साइड द सेल, वेयर एज क्लास टू एमएससी पाथवे में क्या होगा कि जो भी बाहर सेल के बाहर जो एंटीजन है पहले वो अंदर आएगा एंड दैट विल बी कैप्चर्ड बाय एमएससी क्लास टू मॉलिक्यूल विच इज फॉर्मिंग इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द सेल। और ये कैप्चर करके सेल में जो है ये जैसे एंटीजन कैप्चर कर लिए है मॉलिक्यूल में और ये प्रेजेंट करेगा टू सीडी फोर पॉजिटिव टी लिम्फोसाइट। तो सीडी फोर टी लिम्फोसाइट को एमएससी क्लास टू मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट करेंगे और एक्सोजेनस पेप्टाइड करेंगे, और एमएससी क्लास वन मॉलिक्यूल जो है वो सीडी एट पॉजिटिव को सेल लिम्फोसाइट को करेंगे और जो है एंडोजीनस पेप्टाइड को करेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया, एक एमएससी क्लास वन मॉलिक्यूल है, एक एमएससी क्लास टू मॉलिक्यूल है, हमने देख लिया एक कौन कौन से सेल्स के होते हैं और ये सब एनकोड होते हैं ऑन द शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 6। एमएससी क्लास वन जीन्स आर फाउंड इन द रीजन्स ऑफ ए बी एंड सी इन ह्यूमन। क्लास टू एमएससी जीन आर फाउंड इन द रीजन्स ऑफ डी आर डी पी एंड डी क्यू। क्लास वन एंड क्लास टू एमएससी शेयर स्ट्रक्चरल फीचर्स, बोथ आर इन्वॉल्व इन एपीसी, एपीसी इज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। क्लास थ्री एमएससी हैव नो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी टू क्लास वन एंड टू, एग्जाम्पल टीएनएफ, टीएनएफ स्टैंड फॉर ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, heat shock proteins and complement components. This is chromosome 6, जिससे कि तुम देखो short arm पे जो है MHC SLA complex और MHC molecule है जिसमें class 1 फिर class 2 बीच में class 3 होते हैं। This is more appropriate diagram जिसमें this is the short arm of chromosome 6 SLA जो class 1 molecule है that is encoded by रीजन ए बी एंड सी, और जो क्लास टू मॉलिक्यूल्स हैं दैट आर एनकोडेड बाय एरिया डी पी डी क्यू एंड डी आर, और बीच में इसके जो है जीन्स जो होते हैं दैट एनकोड फॉर क्लास थ्री मॉलिक्यूल विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ इम्यूनिटी। सो वी आर टॉकिंग अबाउट क्लास वन मॉलिक्यूल, सो क्लास वन मॉलिक्यूल ए बी सी से एनकोड होते हैं और क्लास टू मॉलिक्यूल्स जो है वो डी पी डी क्यू एंड डी आर क्यू, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द शॉर्ट आर्म ऑफ द क्रोमोसोम 6। पहले हमने देखा था पूरा का पूरा क्रोमोसोम 6, दिस इज अ पार्ट ऑफ द स्मॉल पार्ट ऑफ द शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 6। एमएससी जीन्स आर हाईली पॉलीमॉर्फिक, वेरी कंसिडरेबली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हाउ However, cross
क्रॉसओवर रेट इज लो, 0.5% क्रॉसओवर रेट होती है. इनहेरिटेड एज टू सेट्स, वन फ्रॉम फादर वन फ्रॉम मदर. हैप्लोसाइट रेफर्स टू सेट फ्रॉम मदर और फादर. एमएससी एलील्स आर को डोमिनेंटली एक्सप्रेस्ड, बोथ मदर एंड फादर एलील्स आर एक्सप्रेस्ड. एमएससी एक्सप्रेशन इज रेगुलेटेड बाय मेनी साइटोकाइंस, गामा इंटरफेरॉन, बीटा इंटरफेरॉन, अल्फा इंटरफेरॉन इंक्रीज एमएससी एक्सप्रेशन. ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स ऑल्सो इंक्रीज एमएससी जीन एक्सप्रेशन. और सम वायरसेस डिक्रीज एमएससी एक्सप्रेशन, जैसे कि सीएमवी एंड एचबीवी. जब एमएससी एक्सप्रेशन डिक्रीज हो जाता है तो रिडक्शन ऑफ एमएससी में अलाउ फॉर द इम्यून सिस्टम इवेजन. अब एचएलए एंड डिजीज एसोसिएशन, कुछ एचएलए जो है कुछ उनके एलील के संग डिजीज एसोसिएशन होता है. फॉर एग्जाम्पल एंकोलाइजिंग आर्थराइटिस एंड HLA B27 94 ग्रेटर सस्सेप्टेबिलिटी. जब भी पेशेंट आता है जिसको कि सस्पेक्ट करते हैं एक्सरे में सेक्रोइलाइटिस होती है, पेशेंट को वॉकिंग में डिफिकल्टी होती है, कोई जनरली हिस्ट्री होती है, कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, उसके बाद जो है हम लोग उसको इन्वेस्टिगेट कराते हैं. अगर क्लिनिशियन सस्पेक्ट करता है कि इसको एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है तो HLA B27 कराते हैं, क्योंकि HLA B27 में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ऑफ एंकोलाइजिंग आर्थराइटिस. तो HLA B27 में 94 ग्रेटर ससेप्टिबिलिटी होती है. इनहेरिटेड एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, 21 हाइड्रोक्सिलेस डेफिशिएंसी HLA B47 में होती है. ऑटो इम्यून डिजीज, फॉर एग्जाम्पल ऑटो इम्यून एंडोक्राइनोपैथीज आर एसोसिएटेड विद डी आर एलील. ये काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन होता है किसी ना किसी फॉर्म में, एच एल ए एंड डिजीज एसोसिएट जो एग्जाम में आता है. आइदर यू गेट अ शॉर्ट क्वेश्चन और यू गेट अ शॉर्ट नोट. सो एक छोटी सी लाइन होती है कि एंकोलाइजिंग आर्थराइटिस इज एसोसिएटेड विद एच एल ए B27, बट यू डू गेट this question in exam. So this is all about MHC complex and HLA. Now we come to the tissue transplantation. क्योंकि HLA and tissue transplantation जो है associated चीज़ हैं. हमेशा हम लोग HLA testing होती है, तुम लोग को सबको पता है अपने hospital में जो है इतने सारे किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं. तो सभी ट्रांसप्लांटेशन से पहले जो है क्या होता है, एक्चुअली टाइपिंग होती है पेशेंट की और डोनर की. सो वी कम टू ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन. हम लोग खूब बातें सुनते हैं ट्रांसप्लांट हुआ, इम्यूनो सप्रेशन हुआ, ये सब यू ऑल नो है ना कि इम्यूनो सप्रेशन देते हैं. सारे जो किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं वो सब मास्क, कोविड की वजह से तो लोग आप लगाने लगे हैं, पर किडनी ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट बहुत सस्टेबल होते थे फॉर इन्फेक्शन. तो मतलब लाइक व्हेन आई वाज प्रैक्टिसिंग तब भी पेशेंट जो है वो मास्क लगा के आते थे 25-30 साल पहले भी जो है, क्योंकि दे आर सस्टेबल टू इन्फेक्शन क्योंकि दे आर ऑन इम्यूनो सप्रेशन. तो यू नो कि ट्रांसप्लांटेशन आजकल काफ़ी सक्सेसफुल हो गया है. सबसे सक्सेसफुल किडनी का होता है. हम लोग के यहाँ हार्ट ट्रांसप्लांटेशन भी हो गया, लिवर ट्रांसप्लांटेशन भी होता है. कॉमनेस्ट इज द किडनी ट्रांसप्लांटेशन है ना. और उसके साथ साथ यू ऑल नो कि रिजेक्शन भी होता है ना. इट्स नॉट दैट ईजी, उसको मैच करते हैं उसके बावजूद भी रिजेक्शन हो जाता है. सो वी नो हाउ वी स्टडी कि कैसे रिजेक्शन होता है. और तुम लोग को मालूम है सारे पेशेंट जिनको ट्रांसप्लांटेशन होता है उनको क्या होता है, इम्यून सप्रेसिव है ना. ये सब चीज़ें तो आप लोग को पता ही होंगी. तो हम लोग इन सब का रैशनल जो है डिटेल में पढ़ेंगे. सो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन तुम लोग वो मत हो, इट्स एन इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, बहुत ही ऐसे इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है. And I only have 40 slides. I know कि आप लोग डिटेल में नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो I have selected only 40 slides.
तो जिसमें से 20 हो गई है, जस्ट यू जस्ट हैव टू स्टडी 20 मोर स्लाइड्स और दीज आर इंटरेस्टिंग स्लाइड्स, है ना, जनरल नॉलेज के हिसाब से. इम्यूनिटी आजकल बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया है. ईच एंड एवरी डिजीज, हर एक चीज, वेदर डायबिटीज और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, किडनी डिजीज, जितनी भी नई नई डिजीज जिनके हम लोग कहते थे कि इटियोलॉजी नहीं पता है, उसको हम लोग देयर अ लॉन्ग लिस्ट, उसको हम लोग इम्प्लीकेट क्या करते हैं कि दिस इज बिकॉज ऑफ आइदर इट्स एन ऑटो इम्यून डिजीज और सम इम्यून प्रोसेस, ठीक है. एंड आफ्टर कोविड पीपल आर टॉकिंग अबाउट इम्यूनिटी अ लॉट, कैसे बूस्ट करें और क्या खाएं क्या पिएं. तो दीज डेज इम्यूनिटी जो है बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है और इम्यूनोपैथोलॉजी तो फिर और भी इम्पोर्टेंट है. सो फील्ड ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हैज मेड रिमार्केबल प्रोग्रेस इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ट्रांसप्लांटेशन हैज इवॉल्व्ड टू बिकम द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर एंड स्टेज ऑर्गन फेलियर, रिजल्टिंग फ्रॉम ऑलमोस्ट एनी ऑफ अ वाइड वेराइटी ऑफ कॉजेज. Transplantation of kidney, liver, pancreas, intestine, heart and lungs has now become commonplace in all parts of the world. ठीक है, अब जैसे किडनी है, किडनी फेल हो गई, दोनों किडनी फेल हो गई, क्या करवाते हैं, किडनी फेल हो जाती है तो क्या क्या होता है किडनी फेल होती है तो है? क्यों होता है? क्योंकि यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ जाता है ना, यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ जाता है तब हम कहते हैं किडनी फेल, है ना. पहले यूरिया क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन इज अ मोर एक्यूरेट मेजर की किडनी फेल हो गई. पहले 2 था, 4 था, 6 था, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया. तो अल्टीमेटली क्या करते हैं, डायलिसिस, है ना. डायलिसिस के अपने कॉम्प्लिकेशन है ना. तो फिर अल्टीमेटली क्या ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, एंड स्टेज किडनी डिजीज आ जाती है ना, जब रिकवरी नहीं पॉसिबल है ना, एंड स्टेज में. तो फिर क्या करते हैं, किडनी ट्रांसप्लांटेशन करते हैं. सो टाइप, ब्रॉडली स्पीकिंग, ट्रांसप्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी बिटवीन द डोनर एंड रेसिपिएंट. फर्स्ट इज ऑटो ट्रांसप्लांट, सेकेंड इज एलो ट्रांसप्लांट, थर्ड इज जीनो ट्रांसप्लांट. ऑटो ट्रांसप्लांट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ टिश्यू और ऑर्गन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ एन इंडिविजुअल टू अनदर पार्ट ऑफ द सेम इंडिविजुअल. दे आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ ट्रांसप्लांट्स एंड इंक्लूड स्किन ग्राफ्ट एंड वेन ग्राफ्ट फॉर बायपासेस. नो इम्यूनो सप्रेशन इज रिक्वायर्ड. देखा ना, स्किन ग्राफ्टिंग करते हैं, कभी भी कोई बड़ा सा वूंड होता है जो हील नहीं हो रहा, तो स्किन ग्राफ्ट जो है वो पैर से निकाला जो है, उनके पास एक मशीन करके स्किन ग्राफ्ट निकाल के और दूसरी जगह लगा दिया. तो सेम पेशेंट का सेम इंडिविजुअल में ही लगता है ना. तो इट्स ऑटो ट्रांसप्लांट. तो इसमें कई बार वेन भी जो बाईपास सर्जरी करते हैं तो वेन पैर में से निकाल के हाथ में लगा देते हैं. तो ऑटो ट्रांसप्लांट में जनरली स्किन और वेन करते हैं ट्रांसप्लांट. Then comes the allotransplant, involves transfer from one individual to a different individual of the same species. The most common scenario for most solid organ transplant performed today, है ना, ज़्यादातर allo transplant ही करते हैं, same species से करते हैं. Immunosuppression is required. Allotransplant में immunosuppression is required for allograft recipients to prevent rejection. Xenotransplant involves transfer across species barriers. Currently, xenotransplants are largely relegated to the laboratory given the complex, potent immunological barriers to the surface. अभी कोई human beings में नहीं हो रहा, experimental stage में ही है ना xenotransplant. ठीक है, so generally auto transplant होता है skin or veins का, या क्या होता है, एलो ट्रांसप्लांट. जीनो ट्रांसप्लांट कभी नहीं. कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, रिजेक्शन एंड मेलिग्नेंसी. ठीक है, रिजेक्शन तो हम लोग जानते ही है एंड मेलिग्नेंसी. ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, कॉम्प्लेक्स इम्यूनोलॉजिकल फिनोमिना, इन्वॉल्व बोथ सेल एंड एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स. तुम लोग को मालूम है इम्यून रिस्पॉन्स आइदर एंटीबॉडी मीडिएटेड होता है या
सेल मीडिएटेड होता है. तो ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में बोथ सेल एंड एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स होता है. हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ होस्ट इज डायरेक्टेड अगेंस्ट द हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी मॉलिक्यूल्स ऑन डोनर एलोग्राफ्ट. ये तो ठीक है, डोनर में जो एलोग्राफ्ट लगा है, डोनर ग्राफ्ट लगा है, उसके जो हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी मॉलिक्यूल के अगेंस्ट जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है होस्ट का, है ना, होस्ट का ही होगा. होस्ट का रिएक्शन अगेंस्ट द एमएससी मॉलिक्यूल ऑफ डोनर, डोनर एलोग्राफ्ट. अब हमने देखा सेल मीडिएटेड भी हो सकता है, एंटीबॉडी मीडिएटेड भी होता है. तो सेल्युलर रिजेक्शन, सेल्युलर रिजेक्शन इज द मोर कॉमन टाइप ऑफ रिजेक्शन आफ्टर ऑर्गन ट्रांसप्लांट मीडिएटेड बाय टी लिम्फोसाइट्स. दिस यू ऑलरेडी नो कि सेल्युलर रिजेक्शन किससे होगा, टी लिम्फोसाइट से होगा. इट रिजल्ट फ्रॉम देयर एक्टिवेशन एंड प्रोलिफरेशन आफ्टर एक्सपोजर टू डोनर एमएससी मॉलिक्यूल. ठीक है, डोनर के एमएससी मॉलिक्यूल के अगेंस्ट होस्ट का रिएक्शन होगा, है ना, किसका होगा, टी लिम्फोसाइट्स का होगा. तुम लोग इतने इम्पेशेंट क्यों हो रहे हो, 8-10 स्लाइड हैं और इंटरेस्टिंग है, सुन लो. टी सेल मीडिएटेड रिजेक्शन, सेल मीडिएटेड रिजेक्शन इन्वॉल्व्स बोथ DTH, DTH stands for delayed type of hypersensitivity and cytotoxic T lymphocyte mechanism. Both CD4 वाला क्या करता है, delayed type of hypersensitivity, और cytotoxic क्या करता है, CD8 lymphocyte. Host response occurs against the donor MHC. ठीक है, इसमें समझने में कोई बड़ी बात नहीं है कि होस्ट का रिस्पॉन्स होगा, जिसके ऊपर ग्राफ लग रहा है वो उसी की बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी अगेंस्ट डोनर एमएससी मॉलिक्यूल. तुम लोग अपना वो तो पढ़ना ही नहीं चाहते हो कोर्स, कुछ और भी इंटरेस्टिंग बात नहीं पढ़ना चाहते, क्या करना चाहते हो. Host recognition and response to MHC occurs by two mechanisms. This is important. Indirect recognition. Recognition mainly activates delayed type of hypersensitivity pathway. This is similar to the physiological process and presentation of other foreign antigens. This involves host own APC. APC stands for antigen presenting cell uptake and processing of HLA shed from डोनर. डोनर का ने एचएलए शेड किया, तो जो है रेसिपिएंट जो है होस्ट जो है उसके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल वो वाला एंटीजन कैप्चर करेंगे और टी लिम्फोसाइट्स को देंगे. ये तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है. और इसको क्या कहते हैं, प्लीज आप लोग को नहीं पढ़ना है तो मतलब आई एम रेडी फॉर अटेंडेंस. ना तो तुम लोग अटेंडेंस के लिए आना चाहते हो, है ना, हम वेट कर रहे हैं कि तुम लोग आ जाओगे सब अटेंडेंस लेंगे, ना तुम पढ़ना चाहते हो क्या. एवरी टाइम मैं कोई यही गाना गाना पड़ेगा क्या, कीप क्वाइट. 2:45 है, 3 बजे तक की क्लास है, 10-15 मिनट है, 10 मिनट अटेंडेंस लेंगे, सो कीप क्वाइट फॉर 10 मोर मिनट्स, है ना. एंड इट्स इंटरेस्टिंग, बहुत सारी चीजें तुम लोग को मालूम होनी चाहिए दुनिया में हो क्या रहा है. तो हम लोग ने देखा कि इनडायरेक्ट रिकग्निशन इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस. तुम लोग को ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, अभी सुनोगे तो इट्स इजियर टू गो होम एंड लर्न. और फिर एग्जाम के लिए अगर अभी नहीं सुना होगा तो बिल्कुल सेंसिटाइजेशन नहीं होगा एंड यू विल टेक मोर टाइम. तो इट्स माई एडवाइस कि अभी तुम लोग सुन लो. सो इनडायरेक्ट रिकग्निशन इज लाइक फिजियोलॉजिकल प्रोसेसिंग ऑफ एंटीजन. डायरेक्ट रिकग्निशन, होस्ट रिस्पॉन्स टू डोनर एचएलए एक्सप्रेस डायरेक्टली ऑन डोनर सेल. पैराडॉक्सिकल, इट वायलेट्स द रूल ऑफ एमएचसी रिस्ट्रिक्शन. डोनर डेंड्राइटिक सेल्स आर मोर लाइकली एपीसी. माइंड यू, डोनर के जो साथ में एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं
वो दे आर मोर लाइकली टू बी एपीसीज विच इज अगेंस्ट द नॉर्मल प्रोसेस. होस्ट CD4 helper cells are triggered into proliferation and cytokine production by recognition of donor MHC molecule and drive DTH response. ठीक है, तो डायरेक्ट में क्या होगा कि होस्ट रिस्पॉन्स टू डोनर HLA एक्सप्रेस, दोनों में ही हो रहा है कि होस्ट रिस्पॉन्स टू HLA एक्सप्रेस डायरेक्टली ऑन डोनर सेल. उसमें तो शेड था एंटीजन, है ना, एंटीजन शेड हो जाता था और जो होस्ट के एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स थे वो प्रेजेंट करते थे. इसमें जो है इट वॉयलेट्स द रूल्स ऑफ MHC रिस्ट्रिक्शन और इसमें डोनर के डेंड्राइटिक सेल्स वो क्या करते हैं, एंटीजन प्रेजेंट करते हैं टू द होस्ट के CD4 सेल्स और डिले टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन होता है विद द साइटोकाइन हेल्प ऑफ CD4 टी सेल्स. CD8 cells differentiate into cytotoxic T lymphocytes and they lyse targets in graft tissue. Graft rejection kya hai? Dekh lo bhai ye diagram. Why should I explain? Aapko nahi sunna hai to mat padho. Dekho. Main khadi ho jati hu and मैं अपनी स्लाइड प्रोजेक्ट करती जाती हूँ. पढ़ लो, पढ़ना है तो, बात करना है तो बात करो. आई विल गेट माय सन. क्या व्हाट इज योर चॉइस? पढ़ना चाहते हो या नहीं पढ़ना? और जो भी आपको जवाब देना, जो भी चॉइसेस है ना, थोड़ा खड़े होके बोलो, ऐसे दिलने पता नहीं चलता है. वॉट एवर यू वॉन्ट टू से करना चाहिए. दिस इज इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट पाथवे. दोज हु वॉन्ट टू स्टडी इनडायरेक्ट पाथवे में देखो, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ड्रॉप सेल्स जो है वो जो येलो वाला है दैट इज द एंटीजन, है ना, तो वो शेड हो रहा है और रेसिपिएंट के जो होस्ट है उसके एंटीजन प्रेजेंट इन सेल में कैप्चर किया है और फिर रिएक्शन हुआ है. मेनली जो एंटीबॉडी मीडिएटेड होते हैं उसमें वैस्कुलाइटिस होती है और इसमें जो है जो ब्लास्ट है उसकी क्या एंटीजन प्रेजेंट इन सेल जो है वो प्रेजेंट करते हैं एंटीजन टू द होस्ट के सेल. Antibody mediated rejection. Antibodies also mediate some form of rejection. Anti-HLA antibodies develop concurrent to the T mediated rejection. Major target is vascular endothelitis and resembles the vasculitis of type 3 hypersensitivity. Type 3 hypersensitivity क्या थी? याद है? Last में पढ़ा था. Type 3 is immune complex mediated, है ना, तो इसमें vasculitis होगी. Antibody हमने देखा कि cell mediated हो सकता है, antibody mediated हो सकता है. Cell mediated में हमने देखा कि दो तरह के mechanism possible हैं, direct और indirect mechanism, है ना. Direct mechanism जो है it violates the laws of MHC restriction. इनडायरेक्ट नॉर्मल फिजियोलॉजिकल होता है और एंटीबॉडी मीडिएटेड रिजेक्शन में क्या होता है, इट रिजेंबल्स बेसिकली टारगेट इज वेस्कुलर एंडोथेलियल. कोई भी ग्राफ्ट रिजेक्शन ग्राफ्ट को सर्वाइव करने के लिए ब्लड वेसल्स तो सही है ना. जब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स वेसल्स में डिपॉजिट हो जाएगा तो क्या होगा, ग्राफ्ट रिजेक्शन हो जाएगा. टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी की वजह से वेस्कुलाइटिस होगी और ग्राफ्ट रिजेक्शन होगा. सो टाइप एंटीबॉडी मीडिएटेड जो है वो उसमें वेस्कुलाइटिस होगी और ग्राफ्ट रिजेक्शन होगा. क्लिनिकल इम्यूनोसप्रेशन. द सक्सेस ऑफ मॉडर्न ट्रांसप्लांटेशन इज इन लार्ज पार्ट बिकॉज ऑफ सक्सेसफुल डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट. अब हम देखेंगे कि रिजेक्शन भी हाइपर अक्यूट हो सकता है, अक्यूट हो सकता है और क्रॉनिक हो सकता है.
Hyperacute rejection, this type of rejection usually occurs within minutes after transplanted organ is reperfused. ठीक है, hyperacute है तो should be immediate, है ना? It is because of presence of preformed antibodies in the recipient. अगर recipient में पहले से ही antibody है present, तभी hyperacute rejection होगा, है ना? क्योंकि एंटीबॉडी बनेगी या टी सेल्स सेंसिटाइज होंगे तो टाइम लगेगा. तो हाइपर अक्यूट रिजेक्शन इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडी इन द रेसिपिएंट. एंटीबॉडी बाइंड टू द वेस्कुलर एंडोथेलियम इन द ग्राफ्ट एंड एक्टिवेट द कॉम्प्लीमेंट कैस्केड लीडिंग टू प्लेटलेट एक्टिवेशन एंड टू डिफ्यूज इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन. तो लास्ट टर्न पे हमने पढ़ा था हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, उसमें हमने टैक्सी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का एक मैंने फ्लो चार्ट दिखाया था जिसमें कि क्या होता है, इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन होता है, वो कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करता है. उसके साथ साथ जो है हमने देखा था हेजमेन फैक्टर और माइक्रोथ्रोम्बाई भी बनते हैं, है ना? प्लेटलेट एक्टिवेशन होता है और इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन हो जाता है. इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन क्या करेगा, इट विल अगेन हैम्पर द ब्लड सर्कुलेशन. द रिजल्ट इज स्वोलन डार्कन्ड ग्राफ्ट विच अंडरगोस इस्केमिक नेक्रोसिस. इस्केमिक नेक्रोसिस क्या होता है, जब नेक्रोसिस होता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, है ना? इस्केमिक नेक्रोसिस. इस्केमिक नेक्रोसिस का दूसरा नाम क्या है, पढ़ लिया ना तुमने नेक्रोसिस? सिस्टमिक नेक्रोसिस क्या होता है, इंफॉक्शन. इंफॉक्शन इज ऑल्सो सिस्टमिक नेक्रोसिस, है ना? इंफॉक्स हो जाता है. इस्केमिया मतलब लैक ऑफ ब्लड सप्लाई. के स्क्रीनिंग ऑफ होस्ट फॉर प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडी रिजल्ट्स इन रिजेक्शन इन लेस देन 0.4% ट्रांसप्लांट. पर अगर जो प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडी है उनको तो हम लोग पहले से ही जो है डोनर जो होस्ट है रेसिपिएंट है उसको स्क्रीन कर सकते हैं कि उसमें कोई प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडी तो नहीं है उसके अगेंस्ट डोनर के अगेंस्ट. सो दिस कैन बी प्रिवेंटेड और बहुत ही कम होता है इसका इंसिडेंस, 0.4%, क्योंकि प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडी जो है उनको हम पहले से स्क्रीन कर सकते हैं. तो हाइपर अक्यूट रिजेक्शन इज एंटीबॉडी मीडिएटेड, है ना? बेसिकली एंटीबॉडी मीडिएटेड होता है. वैस्कुलाइटिस प्रोड्यूस होती है बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लीमेंट ऑक्सीडेशन, टाइप सी हाइपरसेंसिटिविटी. सो दिस इज अबाउट हाइपर अक्यूट रिजेक्शन. किडनी में अगर देखें तो किडनी रैपिडली बिकम साइनोटिक मॉटल्ड एंड फ्लैक्सिड एंड मे एक्सक्रीट ओनली फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बॉडी फ्लूइड. जब सर्जन ट्रांसप्लांट कर रहा है ना उसको तभी पता चल जाता है विद इन मिनट्स होता है क्योंकि ये रिजेक्शन की है, किडनी तो जो है रिजेक्ट हो रही है ना? सर्जन इमीडिएटली नोस. कई बार तुम लोग ने पढ़ा होगा कि उसको रिजेक्ट हुई तो उसने सर्जन ने तुरंत निकाल के किसी तीसरे रेसिपिएंट को लगा दी, तीसरे में लगा दी, है ना? सो सर्जन इमीडिएटली नोस कि ये रिजेक्ट हो रही है क्योंकि हाइपर अक्यूट रिजेक्शन होता है. किडनी रैपिडली बिकम साइनोटिक मॉटल्ड एंड फ्लैसिड एंड मे एक्सक्रीट ओनली अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लडी फ्लूइड. हिस्टोलॉजी में वाइड स्प्रेड अक्यूट आर्थराइटिस एंड आर्टेरियोलाइटिस होता है. अक्यूट फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस ऑफ वेसल वॉल. जितना भी नेक्रोसिस इसमें होता है जनरली जो इम्यूनिटी में हम कहते हैं उसे फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस कहते हैं. तो फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस ऑफ वेसल वॉल होता है. वेसल थ्रोम्बोसिस एंड इस्केमिक नेक्रोसिस होता है. नैरोइंग एंड कंप्लीट ऑक्लूजन ऑफ वेसल ल्यूमन बाय फिब्रिन एंड सेलुलर डेब्रिस. अब हाइपर अक्यूट के बाद अक्यूट रिजेक्शन होता है. दिस यूज टू बी मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिजेक्शन. यू नो कि हाइपर अक्यूट रिजेक्शन इज mostly prevent. We can screen the host recipient for preformed antibodies. So this used to be the most common type of rejection, acute rejection. With modern immunosuppression it is becoming less and less common. Ab immunosuppression dete hain, the acute rejection bhi is less common. Acute rejection is usually seen within days to few months post transplant.
इट इज प्रिडोमिनेंटली अ सेल मीडिएटेड प्रोसेस. हाइपरक्यूट रिजेक्शन क्या था? एंटीबॉडी मीडिएटेड था. और जो अक्यूट रिजेक्शन है इज प्रिडोमिनेंटली अ सेल मीडिएटेड प्रोसेस विद लिम्फोसाइट बीइंग द मेन सेल्स इन्वॉल्व. With current immunosuppressive drugs, most acute rejection episodes are generally asymptomatic. They usually manifest with abnormal laboratory findings. अब kidney में जो acute rejection होता है, kidney क्योंकि commonly transplanted organ है, इसलिए we are talking about kidney. Kidney में humoral या antibody mediated क्या करता है, हमने अभी देखा. Necrotizing vasculitis कहता है. With infiltration of neutrophil, deposition of antibody, complement and fibrin and thrombosis, there is extensive parenchymal damage. Cellular, most commonly seen, there is extensive CD4 and CD8 positive interstitial infiltration hota hai. Interstitial means ki in between the cells. Parenchyma ke bahar jo stoma hota hai, usme infiltration hota hai with edema and hemorrhage. Periglomerular and peritubular capillaries contain large number of mononuclear cells. Focal tubular injury, CD8 positive cells may cause endothelitis. These are the diagrams of acute, hyperacute and acute rejection. Hyperacute rejection mein endothelitis hai. Jo acute rejection hai, usme interstitial infiltration of CD4 and CD8. Lymphocytes. Chronic rejection. This form of rejection occurs months to year post transplant. Now that short term graft survival rates have improved so markedly, chronic rejection has increasing common problem. ठीक है, अब हमने देखा hyperacute तो बिल्कुल ही negligible है क्योंकि हम screen कर लेते हैं और क्योंकि immunosuppression देते हैं patient को, तो इसलिए acute rejection भी कम हो गया है. सबसे ज्यादा क्या है? Chronic rejection होता है which occurs after सम टाइम, है ना, फ्यू मंथ्स के बाद होता है. हिस्टोलॉजिकली द प्रोसेस इज कैरेक्टराइज बाय एट्रोफी, फाइब्रोसिस एंड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस. क्लिनिकली ग्राफ्ट रिजेक्शन स्लोली डिटेरियरेट्स ओवर मंथ्स टू इयर्स. पता चलता है कि रिजेक्ट हो रही है, जैसे कि पहले सिम्टोमेटिक होता है, जैसे मैंने बताया किडनी में जो है हर ट्रांसप्लांट पेशेंट का यूरिया क्रिएटिनिन कराते हैं, तो क्रिएटिनिन देखते हैं कि क्रिएटिनिन धीरे धीरे 2.4 हुआ, फिर 2.6 हुआ, फिर 3.1 हुआ. तो जैसे जनरली लोगों को फर्क नहीं पड़ता शुगर आपकी 80 है, 82 है या 90 है, नोबडी बॉदर्स एज लॉन्ग एज इट इज विद इन द नॉर्मल लिमिट. अपन लोग बॉदर नहीं करते हैं, है ना. और जो ये किडनी वाले पेशेंट आते हैं, स्पेशली ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट का, उनको फर्क पड़ता है कि अरे आपने देखो पिछली बार तो मेरा क्रिएटिनिन 2.0 आया था, आज 2.1 आ गया. मतलब जब हमारे पास लैब में रिपोर्ट देते हैं ना, तो वी आर वेरी केयरफुल, कई बार करके रिपीट करके देते हैं क्योंकि यू नो इट्स इम्पोर्टेंट फॉर दैट पेशेंट. नॉर्मल किसी के लिए नॉर्मल टाइम क्या होती है क्रिएटिनिन की, यू नो सब लोग बातें तो कर रहे हो. तो बता 150 लोगों में से नॉर्मल रेंज क्या होती है? क्रिएटिनिन जनरली 0.4 या 5.5 से 1.4 मिलीग्राम पर. तो दो के बाद अगर जैसे हमने 2.0 दिया और अगर एक हफ्ते बाद वो आया उसने ठीक किया, 2.1 भी आ जाता है ना, तो दे स्टार्ट फाइटिंग की अच्छी तरह से करना और ये तो मेरी किडनी फेल हो जाएगी. तो देर इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना. तो पहले तो वो एसिम्टोमेटिक होते हैं, उनको पता नहीं चलता. इट्स ओनली लाइट वेव्स ऑफ द लेबोरेटरी टेस्ट होता है. Histologically, the process is characterized by atrophy, fibrosis, and arteriosclerosis. Clinically, graft rejection slowly deteriorates over the months of years. अब है graft versus host disease. ये बड़ा favorite question होता है. Graft versus host disease. मैं हमेशा बच्चों को example देती हूँ. उल्टा चोर सतवाली को डालते, है ना.
अब क्या होता है, पेशेंट तो इम्यूनो सप्रेस्ड है ना, उसकी तो इम्यूनिटी नहीं है। जो होस्ट के सेल्स आते हैं, होस्ट के क्या डोनर के सेल्स आते हैं, वो सोचते हैं हम राजा हैं, ठीक है। सो इट्स द ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज अकर्स व्हेन इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स आर ट्रांसप्लांटेड इनटू रेसिपिएंट्स हु आर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्प्रोमाइज्ड, है ना। वो तो उनको पेशेंट को जो होस्ट होता है उसको तो इम्यूनो सप्रेशन देते हैं, और सेल्स जो डाल रहे हैं वो हम इम्यूनो कॉम्पिटेंट डाल रहे हैं। अकर्स इन द सेटिंग ऑफ एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, बोन, क्योंकि हम टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन की बात कर रहे हैं, तो जनरली ये जो है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में होता है। मे फॉलो द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ सॉलिड ऑर्गन्स रिच इन लिम्फोइड सेल्स। इम्यूनो कॉम्पिटेंट टी सेल्स डिराइव फ्रॉम डोनर मैरो रिकग्नाइज द रेसिपिएंट टिश्यू एज फॉरन एंड रिएक्ट अगेंस्ट इट। ये बात समझ में आ गया, क्योंकि जो डोनर है उसके जो इम्यून कॉम्पिटेंट सेल्स हैं, है ना, दे रिकग्नाइज जो रेसिपिएंट है उसको एज फॉरन, वो रिएक्ट करने लगते हैं, है ना। तो दिस इज ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज। This results in activation of CD4 and CD8 cells, resulting in TTS and cytotoxic T lymphocytes. ठीक है? So, graft versus host disease generally bone marrow transplantation में होता है, जिसमें कि immunocompetent T cells derived from डोनर मैरो रिकॉग्नाइज द रेसिपिएंट टिश्यू एज फॉरेन एंड रिएक्ट अगेंस्ट इट। मैलिग्नेंसी, ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट्स आर एट इंक्रीज रिस्क फॉर डेवलपिंग सर्टेन टाइप्स ऑफ डी नोवो मैलिग्नेंसी। नॉन मेलेनोमेटस स्किन कैंसर, लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिजीज, केपोसिस, सार्कोमा, बहुत सारे होते हैं, इंक्रीज रिस्क हो जाता है मैलिग्नेंसी का। बेटर सर्वाइविंग मेथड्स टू इंक्रीज ग्राफ्ट सर्वाइवल, बेटर मैचिंग होनी चाहिए, इम्यूनो सप्रेशन ऑफ रेसिपिएंट होना चाहिए, डोनर स्पेसिफिक टॉलरेंस इन होस्ट सेल्स होनी चाहिए, और टॉलरेंस ऑफ डोनर एलो एंटीजन। दैट्स इट, थैंक यू।